हाँ तो दोस्तों, मैं सबसे पहले इसका फिजिकली ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूँ कि ये किस प्रकार का प्रोडक्ट कैसा दिखेगा और इसको किस प्रकार से यूज़ करना है। वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस ओवरव्यू तो हमने देख लिया और इसका अनबॉक्स करेंगे और इसके फीचर को और इसको लाइव देखेंगे। लेट्स वी स्टार्ट। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वॉशिंग मशीन का अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, इसका साइड लुकिंग है ये। चलिए मैं इसको अनबॉक्स करके इसके फीचर को मैं पूरे अच्छे से डिस्कशन करूँगा और ये किस प्रकार से आपको यूज़ करना है पूरी प्रोसेस को मैं हिंदी में अच्छे तरह से समझाऊँगा। अगर वीडियो को आप एक मिनट भी स्किप करते तो आपकी कुछ परेशानियाँ रह जाएगी जो कि आप फिर सॉल्व नहीं कर पाइएगा। चलिए देख सकते हैं, ये तीन रोटेटर दिए हुए हैं और ये एक दिया हुआ है वाटर सेलेक्टर। किस प्रकार से कितना टब में पानी रखना है, यहाँ एक पाइप अंदर में दिया हुआ है, मैं उसको भी लाइव लगा के दिखाऊँगा और किस प्रकार से टब में पानी भरना है उसका प्रोसेस भी देखेंगे। और ये देख सकते हैं वो, ये वॉश टाइमर है, टाइम सेट कर सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। वर्क होने के बाद ये रिंग बजना स्टार्ट हो जाता है और जब वर्क ख़त्म हो जाए तो नो वर्क पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो वॉश टाइमर पे आपने देख लिया है कैसे वर्क करेगा। चलिए आगे का आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वॉश सेलेक्टर, आपको नॉर्मल करना है, हैवी करना है, या मतलब आपका कम कपड़ा है तो डेलिकेट्स करना है, जो करना है आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये है वॉश रेंस एंड ड्रेन, यानी कि इससे आप जो है पानी को बाहर निकाल सकते हैं अपने टब के पानी को, जिसका नाम ड्रेन सेलेक्टर था। यह स्पिन टाइमर जो है, स्पिन टाइमर क्या करता है, यह आपका कपड़ा को शुष्क कर देता है, जैसे कि धोए हुए कपड़े को सुखाने का काम होता है। मैं फुल्ली कहना जैसा कि मैं लाइव करके दिखाऊंगा। ये सैमसंग का मॉडल है जो कि 8 kg का है, 8.0 kg, और इसमें देख सकते हैं और इसके फीचर्स को जानेंगे और किस प्रकार से यूज़ करना है उसका प्रोसेस भी देखेंगे। एट फर्स्ट क्या करना है, चलिए मैं ढक्कन को खोल के इसको साइड में रखता हूँ, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है अवेलेबल। तो देखें, जैसा कि एक फॉर्म टाइप का डब्बा रखा हुआ है, चलिए इसको पहले हम लोग बाहर निकाल लेंगे, इसका कोई यूज नहीं है तो इसको बाहर रख देते हैं। और ये देख सकते हैं किताब दिया हुआ है किस प्रकार से आपको इसको यूज़ करना है, इसके साथ वारंटी पेपर है, इसके 5 ईयर की वारंटी रहती है। चलिए इस पेपर को पढ़ लेंगे, बुक को, और किस प्रकार से यूज़ करना है। यार बुक ही पढ़िएगा तो मैं वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, आपको वीडियो में सिखा दूंगा सर को। ये सेफ्टी प्लेट है जो कि पिन, सिक्का या आल पिन कोई भी चीज़ आपके कपड़े में अवेलेबल रहता है तो उससे बचाएगा आपका, नहीं तो अंदर फूट जाएगा। देख सकते हैं दो पाइप है, जैसा कि मैं बताया था, ये मोटा वाला पाइप एग्जिस्टर के लिए है और पतला पाइप जो है पानी को इनपुट कराने के लिए है टब में। चलिए देखते हैं और इसका कुछ फीचर्स, ये अंदर का कुछ सीन है। चलिए ये ड्रायर का है सीन, देख सकते हैं जैसा कि आप लोग। चलिए ये इसमें 5 स्टार इसको मिला हुआ है। देखते हैं आप, ये पीछे का साइज लुकिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सैमसंग का वॉशिंग मशीन और इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, आप जैसा देख सकते हैं आसानी से। और ये देख सकते हैं इसमें अगर यूज़ करने के बाद प्लग उसमें लगा के आप रख सकते हैं फिर से। और उसके बाद जो है नीचे में एक एग्जिस्टर दिया हुआ है, एग्जिस्टर से किस प्रकार से आपको पानी बाहर निकालना है उसके अभी बताएंगे। पाइप को आप लगा दीजिएगा और ये पाइप लगाने के बाद जब जैसे कि ड्रेन वाला ऊपर जो मैंने बताया था वहाँ से पानी को एग्जिट करा सकते हैं आप लोग। पाइप अच्छे से सेट हो जाता है, आप सेट कर लीजिएगा। देख सकते हैं जैसा कि मैंने बोला 5 ईयर की वारंटी रहती है ऑन द मोटर। आपका बाहर से डैमेज हो गया उसकी वारंटी नहीं, सिर्फ मोटर की वारंटी। ढक्कन को खोल के इस प्रकार से सेट करना है। बहुतों को लगता है यार ये टूटा हुआ है, टूटा नहीं है, इसको साइड में आप सेट करके रख सकते हैं आसानी से। उसके बाद इसके अंदर के लुकिंग को हम लोग देखने वाले हैं। ये देख सकते हैं जैसा कि ये प्लेट खुलता है, मैं इसको खोल के दिखाऊँगा। ये जो है आप जो भी पानी टब में डालते हैं तो वो आपका फुल्ली फ्रेश पानी आए, उसमें जो है किसी भी प्रकार की मतलब कोई गंदगी ना हो, ये उसका वर्क करता है। आपके पानी को एकदम मैजिक क्लीनर है, उसको ठीक करके रखता है, एकदम साफ करके रखता है। अब यहाँ मैं दिखाने वाला हूँ, इसमें लेवल बना हुआ है। चलिए देखिए, ये बहुत मतलब ऐसा लिखा हुआ है, नहीं पता दे रहा, लो लिखा हुआ है, मिडिल और उसके बाद हाई, हाई लेवल तक, यहाँ तक आप पानी इसमें भर सकते हैं। चलिए आप देखेंगे, देखिए मैं पानी जैसा कि बोला था इसमें भर के दिखाऊंगा। यहाँ से आप इसको स्टॉप करिएगा तो स्टॉप हो जाएगा और फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टॉप करने के बाद ये ड्रायर में पानी जाता है, यहाँ से कनेक्ट हुआ है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। इसमें देखिए, उसके बाद डिटर्जेंट पाउडर डाल देंगे, तो उसके बाद डिटर्जेंट पाउडर डाल के उसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे ताकि ये पूरा पानी मिल जाए। क्या करें, पानी में आयरन बहुत है इसलिए पानी पीला दिख रहा है, और कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, मैंने सारा कुछ ऑन करके रखा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर। अब इसमें कपड़ा डाल देंगे, कपड़ा डालने के बाद ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है ऊपर का
इसका मैं वर्क पूरा होते ही इसमें एक रिंग की आवाज़ आने लगती है, जो कि बेल आपको नोटिफाइड कर देता है कि आपका वर्क हो गया है, प्लीज़ आप वर्क को स्टॉप कीजिए और अगला प्रोसेस आप जारी रखिए। तो हम लोग वर्क को स्टॉप कर देंगे। उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रेन सेलेक्टर। ड्रेन सेलेक्टर से आप क्या कर सकते हैं, जो भी टब में गंदा पानी एग्जिट कर सकते हैं। जैसा कि ड्रेन सेलेक्टर को उधर रोटेट कीजिएगा तो ये पानी टब का एग्जिट होने लगता है। उसके बाद देखिए इस कपड़े को आराम से निकाल के ड्रायर में हम सुखा के देखने वाले हैं। तो ड्रायर में पहले सबसे पहले कपड़े का पानी गाड़ना है, तो आप पानी कपड़े का गाड़ के डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही कपड़े का पानी इसमें मतलब आप डाल सकते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ड्रायर में कपड़े डालने के बाद क्या करना होता है, इसका एक ऊपर पे ढक्कन रहता है, उसको आराम से लगा देना है, फिर उसके बाद ऊपर से ऑफ़ कर देना है। चलिए आप स्विच की ओर आएंगे। यहाँ पे स्विच को क्या करना है, रोटेट कर देना है ये क्लीनर के लिए, मतलब ड्राई क्लीनर के लिए, जो कि आपके कपड़े को ड्राई और शुष्क आने की सुखा देगा। उसके बाद क्या होता है, इससे जो है जैसे जैसे कपड़े को सुखाता है तो इसका क्या प्रोसेस है, आखिर आप सोच रहे हो कि इसका पानी कहाँ जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि एग्जिस्टर लगा हुआ है, वहाँ से पानी एग्जिट कर जाता है। देख सकते हैं जैसे किस प्रकार से रोटेट कर रहा है, इससे थोड़ा कंपन होता है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। चलिए इसको खोल, जैसा कि देख रहे हैं ड्रायर में कपड़ा डाला हुआ है, उसके बाद हम लोग खोल के देख लेंगे। ओहो देख लीजिए कैसा रोटेट कर रहा है, किस प्रकार से मतलब कपड़े को ये शुष्क तरीके से सुखा देता है। उसके बाद खुले हवा में रखने के बाद ये कपड़ा 10 मिनट के अंदर आपका कपड़ा सूख के तैयार हो जाएगा। चलिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसका भी वर्क पूरा हो गया। अगर नहीं हुआ है तो अगर आपको लग रहा है कि ये हल्का और सुखाना है तो उसको फिर से आप अपने वर्क प्रोसेस पे लगा दीजिए, वो अपना काम चालू रहेगा। ये हल्का कंपन करता है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत बात नहीं है कि आपको डरना लग जाए कि यार ये क्या हो रहा है, खटखट खटखट कर रहा है, उससे आपको बिल्कुल नहीं डरना है। देख सकते हैं जैसा कि फुल स्पीड में ये ड्रायर कर रहा है कपड़े को, आप कपड़ा सूखेगा तो उसके बाद मैं आपको निकाल के सुखाने वाला हूँ। आई होप कि दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इजीली भी पूछ सकते हैं, मैं आपको करंट रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।